पवन अरुकी कनाडा से बहुत ही खूबसूरत फोटो सामने आई है। फोटो देखकर ये नहीं पूछा जा रहा है कि अरुणिता ने पवन के साथ एक्टिंग करने के लिए क्यों मना किया, क्या वजह रही होगी या ये फोटो कहाँ या कब की है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच कितना प्यार है। दोनों की आंखों में प्यार साफ दिखता है, फिर अरुणिता ने पवन के साथ शूटिंग करने के लिए क्यों मना कर दिया। कुछ फैंस का ये भी कहना है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और एक दूसरे को समझते हैं। पवन अरुणिता को हैंडल भी कर लेते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, फिर अरुणिता पवन के साथ एक्टिंग क्यों नहीं कर सकती। जी हाँ, ये फोटो कनाडा की है। जब ये कनाडा पहुंचे तो यहाँ इनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें पवन और अरुण ने दिल खुश कर देने वाले गाने गाए। इस बीच अरुणिता पवन से कई सवाल भी पूछे गए। अरुणिता ने बताया कि ये मेरा खुद का डिसीजन है, मैं अभी एक्टिंग के लिए परफेक्ट नहीं हूँ, इसकी वजह से मैं सिंगिंग पर भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और सबसे पहले मेरे लिए सिंगिंग है, वही मेरा करियर है। अरुणिता ने ये भी बताया कि पवन ने उनका बहुत सपोर्ट किया, उनकी हाँ में भी सपोर्ट किया और उनके ना में भी सपोर्ट किया। उन्हें ये भी कहा था कि वो एक्टिंग में उनकी मदद करेंगे, उन्हें बिल्कुल भी अनकम्फर्ट नहीं महसूस होगा। अरुणिता ने ये भी कहा कि जब मैंने मना किया तो पवन निराश हो गए थे और मुझे समझाने लगे कि वो उनकी बहुत मदद करेंगे और हिचकने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई तो पवन मान गए और उन्होंने मेरे नाम में भी मेरी मदद की, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। ये सब अरुणिता पवन की तरफ देखकर बोलती रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन की तारीफ करने से नहीं थकी अरुण और पवन को देखती ही रही। उनका ये फोटो कैप्चर कर लिया गया और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें अरुणिता पवन को बहुत ही गौर से देख रही हैं, उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं, प्यार भरी नजरों से देख रही हैं। उनकी ये फोटो खूब वायरल हो रही है। वेल, आप इस फोटो को देखकर क्या कहना चाहेंगे और क्या आपको अरुणिता का ये डिसीजन ठीक लगा? क्या वाकई उन्हें सबसे पहले सिंगिंग पर ध्यान देना चाहिए? पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल को इंडियन आइडल 12 के मंच पर देखने के बाद लोग चाहते हैं ये किसी न किसी शो में क्यों नहीं आते हैं, आखिर इनका कोई इवेंट क्यों नहीं आ रहा है, ये हैं कहां छुप कर बैठे हैं, क्या सब कुछ ठीक है? तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि पवन आरू शैली दानिश ये चारों की चारों शांत नहीं बैठे हैं, बल्कि आने वाले धमाकेदार प्रोग्राम की तैयारी में जुटे हैं और बहुत जल्द आपको बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। जी हां, पवन अरुण शैली दानिश इन चारों को सोनी टीवी की तरफ से एक बड़ा ऑफर मिला है। दरअसल सोनी टीवी सुपरस्टार सिंगर 2 शो ला रहा है, जिसमें छोटे बच्चे परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे, एक से एक क्यूट बच्चा अपनी आवाज का हुनर दिखाएगा, देश की जनता को एक बार फिर ये छोटे बच्चे अपना दीवाना बनाएंगे और इस शो को मेंटर करेंगे पवन अरुण दानिश शैली। जी हां, एक वीडियो निकल कर सामने आई है जिसमें पवन अरुण दानिश शैली को एक अलग अंदाज में देखा गया। इस मंच पर खड़े ये चारों बेहद खूबसूरत लग रहे थे। सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर इन्हें सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर इन्हें छोटे बच्चों के बीच परफॉर्मेंस देते देखा गया, छोटे बच्चों के साथ एंजॉय करते देखा गया। शैली अरु का कहना है कि इन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें इतना बड़ा मौका मिलेगा। जी हां, अरु शैली कह रही हैं कि कल तक इस मंच पर वो खुद गा रहे थे और आज वो इस मंच को मेंटर करेंगे। वाकई ये बात इन चारों के लिए बहुत बड़ी है, किसी सपने से कम नहीं समझो, ये इस शो को मेंटर करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वेल, आप इनकी इस गुड न्यूज को सुनकर कितना खुश हैं, कितने एक्साइटेड हैं और इन्हें नए अंदाज में देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरुण का एक नया वीडियो निकल कर सामने आ गया है, जिसने फैंस को खुश कर दिया है, सुबह सुबह दर्शकों का दिन बना दिया। काफी टाइम बाद पवन अरुण को एक साथ गाते देखा जा रहा है, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर गाना गाते देखे जा रहे हैं। जब से लंदन से ये वापस इंडिया लौटे हैं, तब से इन्हें अब पहली बार परफॉर्मेंस देते देखा गया। दरअसल ये वीडियो नई दिल्ली का है, नई दिल्ली के एक इवेंट को ज्वाइन करने पवन अरुण गए थे और यहाँ पवन अरुण ने दिल खुश कर देने वाली परफॉर्मेंस दी। वीडियो में देख सकते हैं जहाँ अरुणिता सबके बीचों बीच बैठकर गाना गा रही हैं, तो वहीं एक साइड में बैठे पवन उनके गाने को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए गिटार की धुन दे रहे हैं। पवन बराबर से अरु का साथ दे रहे हैं, साथ ही पवन की नजरें भी अरु पर टिकी हैं। जैसे ही अरु उनकी तरफ देखती हैं, वैसे वो नजरें फेर लेते हैं और उनके ना देखने पर उन्हें देखने लगते हैं। कुछ ऐसे ही पवन अरु
आंख मिचोली खेलते नजर आ रहे हैं। खैर ये वीडियो एक दो दिन पुराना है, लेकिन कनाडा से इनके बहुत जल्द नए फोटोज और वीडियोस आने वाले हैं। इस बार ये कनाडा गाना गाने या इवेंट करने ही नहीं गए, बल्कि ये शूटिंग पर भी गए। जी हाँ, ऑक्टोपस की टीम इनका एक म्यूजिक वीडियो वहीं की लोकेशन के साथ तैयार करवाना चाहती है, यानी कनाडा में इनकी जबरदस्त शूटिंग होने वाली है। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाला गाना इनका बहुत हिट जाएगा और पवन अरु के लिए वाकई ये दिन बहुत लकी होगा। ऑक्टोपस की टीम इनका कनाडा में कुछ रोमांटिक फोटो शूट लेगी जो हम आप तक जल्द पहुंचाएंगे। अभी के लिए आप ये बताइए कि आपको पवन अरु का ये नया गाना कैसा लगा। अरुदीप की कई सारी फोटोज और वीडियो कनाडा से आने वाली हैं। उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कनाडा पहुंचते ही ये नए लुक में नजर आने वाले हैं। और एक बार फिर आप पवन अरु के दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि इनकी नई फोटोज एक सामने आ गई है जिसमें पवन के हाथों में अरु का हाथ है और दोनों एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मंच तक पवन अरु का हाथ पकड़कर उन्हें पहुंचाते हैं। दरअसल ये फोटो तो पुरानी है, इसमें देखा जा रहा है कि एक शख्स अरु को आवाज देता है। वो अरु अरु कहकर कई बार बुलाता है, अरु तो सुन नहीं पाती है, लेकिन पवन उस शख्स को गौर से देखते हैं और उसकी आवाज भी सुन लेते हैं। पवन उस शख्स को नजरअंदाज करते हुए अरु का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें लेकर आगे बढ़ जाते हैं, और वो शख्स अरु का नाम बुलाता ही रहता है, लेकिन पवन अरु को पलट कर देखने का मौका तक नहीं देते हैं। आपको बता दें, इससे पहले पवन दीप कई देशों में अपने म्यूजिक कंसर्ट की परफॉर्मेंस दे चुके हैं। बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियों के कारण उत्तराखंड सरकार ने पवन दीप को यूथ एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड के खिताब से भी सम्मानित किया था। एक इंटरव्यू में पवन दीप राजन ने बताया था कि उन्होंने सिंगिंग और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने की कहीं से भी ट्रेनिंग नहीं ली थी, बल्कि ये उनका खुद का हुनर है। और शायद पवन दीप के इन हुनर की वजह से आज उनकी डिमांड विदेश तक में है। उन्होंने ये सब वीडियोस देख देख कर ही सीखा है। पवन दीप राजन एक बैंड के मेंबर भी है जिसका नाम है रेड। पवन दीप राजन की एक वेबसाइट भी है pavandeepraajan.com, जिस पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वो अब तक करीब 13 देशों और भारत के 14 राज्यों में करीब 1200 शोज कर चुके हैं। अरुणिता की एक क्यूट वीडियो फिर से सामने आई है जिसने सुबह सुबह फैंस का दिन बना दिया। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये लंदन से तो वापस आ चुके हैं, लेकिन लंदन की यादें अभी भी इनके जहन में बसी हुई हैं। हर रोज कोई ना कोई वीडियो या फोटो ये अपलोड करें, और आज फिर इन्होंने एक वीडियो शेयर की है जिसने वाकई में लोगों का ध्यान खींच लिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लंदन की सड़क पर अरु, साइली और एक शख्स बुरी तरह नाच रहे हैं। नाचने में तीनों मदहोश हैं। अरुणिता साइली ने लड़के को बीच में खड़ा करके खूब ठुमके लगाए, और अरुणिता ठुमके लगाते लगाते पवन की तरफ बढ़ती चली जाती हैं और उनके बालों में उंगलियां डालकर उनका सिर हिलाकर रख देती हैं, उनकी तरफ आंखें मटकाती हैं, उनकी कमर पे ठुमका भी लगाती हैं और अपनी कमर और सिर पर हाथ रखकर खूब नाचती हैं। साइली भी पागल हो जाती हैं। वहीं पवन अपनी अरु की ये नौटंकी कैमरे में कैद कर लेते हैं, उनकी क्यूटनेस को बार बार देख रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, अरुणिता की खूब तारीफें हो रही हैं। अरुणिता साइली सावरिया गाने पर जबरदस्त डांस कर रही है। ये वीडियो लंदन का है और वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनका ये ट्रिप कितना शानदार रहा होगा, जिसे ये अब तक भूल नहीं पा रहे हैं। हर रोज ये इस ट्रिप की शानदार फोटो शेयर कर रहे हैं।